दूसरी प्रकृति के जो लोग हैं कि मुझसे नहीं जाना जाएगा, तो उनसे कहते भाई तेरे को जानने के लिए कुछ नहीं करना है। ये कैसी बात करते हो, जानने के लिए जानना तो पड़ेगा ना। जानना तो पड़ेगा, तो मेरे को मेरे बस की वो भी नहीं है क्या? तो उनसे कहते हैं कि तेरे को जानना भी नहीं पड़ेगा, सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में जानने में आएगा। ऐसी एक स्वच्छत्व नाम की शक्ति इस भगवान आत्मा में है। भगवान आत्मा का एक ऐसा स्वच्छ स्वभाव है, जैसे दर्पण है ना, यदि उसमें मैल नहीं लगा हो और बिल्कुल स्वच्छ हो, तो जो जो चीज उसके सामने आती है वो उसमें झलक जाती है, झलक जाती है। दर्पण को क्या मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, उन पदार्थों को अपने में झलकाने के लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, क्या बोझा पड़ता है कि जितने पदार्थ झलके जाएंगे, 10 मन का एक लोहे का पत्थर यदि उसमें झलक जाएगा तो वो दर्पण टूट जाएगा ना, उसे वजन पड़ता होगा। कैसे दर्पण का जैसे स्वच्छ स्वभाव है और उसमें जो भी पदार्थ उसके सामने आते हैं तो वे झलक जाते हैं, दर्पण को कोई बोझा नहीं लगता, ऐसे ही सारा लोकालोक तेरे ज्ञान में झलकेगा और तेरे को रंच मात्र भी बोझा नहीं लगेगा। लेकिन जब मैंने ये परीक्षाएं नहीं थी 7 विषयों में MA की, तब तो मेरे को हर साल 2 महीना बहुत बोझा रहता था। तुझे वो परीक्षा देने का बोझा रहता था, वो जानने का बोझा नहीं रहता है, ज्ञान का कोई बोझा नहीं होता क्या? तुझे परीक्षा देनी थी और दूसरे को स्वीकार कराना था कि मैं जानता हूं। खुद को स्वीकार करने की कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे स्वीकार करें कि तू विद्वान है, वो इसके लिए इतना बोझा था। तो तुझे जानने के लिए क्या बोझा है? इसलिए वो कहते हैं तेरे में एक स्वच्छत्व शक्ति भी ज्ञान के उस स्वभाव को बताने वाली है कि तुझे पर को जानने के लिए पर में कुछ नहीं करना है, पर की तरफ देखना भी नहीं है क्या? फिर ऐसा कैसे होगा? आखिर पर को जानूंगा तो पर मेरे ज्ञान का गेय तो बनेगा ही ना, तो उस वक्त मेरा भगवान आत्मा के मेरे ज्ञान का गेय कैसे बनेगा, फिर मैं अपने आत्मा में लीन कैसे रहूंगा? अरे कहते हैं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। तुम सारी दुनिया तेरे ज्ञान का गेय बनेगी और तेरे आनंद में तेरी आत्मलीनता में रंच मात्र भी अंतर नहीं आएगा, कोई विघ्न खड़ा नहीं होगा। और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद लेगा तो जानने की क्रिया में कोई बाधा खड़ी नहीं होगी, क्योंकि आनंद गुण अलग है और ज्ञान गुण अलग है, दोनों अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे में बाधा खड़ी क्यों करेंगे? जब मैं जानूंगा तो मजा नहीं ले पाऊंगा, जब मजा लूंगा तो जानूंगा नहीं। अब इसको लेना है मजा, क्यों? सुख भोगना है ना, तो इसने सुख का विरोधी ज्ञान को मान लिया ना। अब जो सुख का विरोधी ज्ञान को मानेगा उस मूर्ख की दृष्टि में ज्ञान में हे बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगी है? मेरे सुख का विरोधी है। हमारे पूर्वज ऐसा कहते भी थे,
बेटा अभी मौज मस्ती कर लोगे, आनंद भोग लोगे, तो जिंदगी भर चपरासी बन के रहना पड़ेगा, बहुत तकलीफ पाओगे। और अभी थोड़ी तकलीफ भोग लो, जरा पढ़ाई करो, लिखाई करो, अध्ययन करो, तो सारी जिंदगी सुख पाओगे। नहीं पढ़ोगे अभी तकलीफ नहीं भोगोगे, आराम से सोओगे, तो चपरासी बनना पड़ेगा। अगर तुमने यदि अभी तकलीफ भोग ली तो सैकड़ों चपरासी तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। कहते ना माने इसका मतलब भी ये समझाते हैं कि सुख पाना हो तो दुख भोगो, सुख भोगोगे तो दुख पाओगे। इसका मतलब तो ये हो गया, सुख का बीज दुख हो गया और दुख का बीज सुख हो गया। तो उसको वो एक बारह भावना है एक कवि की, उसको पेश करते थे। हमारे सोनगढ़ में एक पंडित जी थे, सोमचंद जी नाम थे बुजुर्ग। दुख ते सुख, सुख ते दुख हुए, समताचारों गति नहीं जो। के सुख से दुख और दुख से सुख होता है, उस चारों गतियों में समता माने सुख नहीं है, संसार भावना थी। प्रयास करते थे वे मंदिर में कि बेटा अभी सुख भोग लोगे तो बाद में दुख पाओगे, अभी पढ़ाई कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, अभी मौज मस्ती करोगे, सोओगे, आराम से सुख भोगोगे तो बाद में दुख पाओगे, ऐसा इसका अर्थ करते थे। सुख तें दुख, दुख तें सुख हुए, जो है ना तें माने कारणकारी संबंध जोड़ते थे। वो थे 70 वर्ष के और मैं था 22 वर्ष का, तब की घटना है सच्ची, नाम शायद बता रहा हूं मैं है? तो मैंने कहा कि पंडित जी इसका तो ये अर्थ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आम का पेड़ बो और बबील का हो गए, और बबील का बो और आम का हो गए। आम की गुठली डालोगे तो आम का पेड़ उगता है, बबूल की डालोगे तो बबूल का उगता है, दुख से सुख कैसे हो सकता है? हम उनको क्या समझाएं, क्योंकि वो तो अभी पढ़ाई करने को दुख मान रहे, क्यों, और खूब सोने को, मस्ती करने को, सिनेमा देखने को सुख मान रहे हैं, क्यों इसको सुख मान रहे। और वो जो बाद में मिलेगा, इतने चपरासी घेरे रहेंगे और इतनी भोग सामग्री मिलेगी, उसको सुख मान रहे, उसे मान के बात कर रहे। और अभी थोड़ी सी जो अध्ययन करने का एक आनंद की चीज है ना, हमें स्वाध्याय करने को मिले, हमें पढ़ने को मिले, ये दुख की बात है कि सुख की? मैं ये कहता हूँ जो अभी सुखी होंगे वे बाद में भी होंगे, जो अभी दुखी होंगे वे बाद में दुखी होंगे। एक भाई मेरे से बोले कि पंडित जी हम रोज ही ना 40 वर्ष से सुबह पूजा करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो बेदन भी देखे कि हम कांपते रहते हैं, और एक पतला सा दुपट्टा ओढ़ के सुबह 6 बजे भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, इतने दिन हो गए। भयंकर गर्मी हो तो नंगे पैर आकर धूप में पसीना झड़ता रहता है, पर हम बराबर आज तक हमने कोई क्रिया छोड़ी नहीं है, तो हमें इसका फल मिलेगा कि नहीं मिले ये बताओ, मैंने करते तुम हो वो हम बताएं। तो मैंने जवाब दिया, ये सच्ची घटना है कि तुम्हें फल मिला नहीं क्या? देखिए क्या क्या क्या, अरे पूजा करने वाले को तो तत्काल फल मिलता है। देखो एक होता है धर्म और एक होता है कर्म। धर्म उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल मिले,
और कर्म उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल गारंटी से ना मिले। कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है, क्यों? पहले कर्म बंधेगा, फिर वो आवाधा काल तक सत्ता में रहेगा, क्यों? फिर जब उदय में आएगा तब वो फल देगा। ऐसे ही आता क्या? नहीं तो तत्काल कहाँ मिला? अपेक्षा समझना, प्रशासित उपाय के हिसाब से मैं वैसे भी समझा सकता हूँ कि काम करे उसके पहले ही फल मिल गया, वो अभी एक तरफ रखना है ना। तत्काल नहीं मिलता है कर्म का फल। और धर्म, धर्म क्या है? कि कसाय भाव का छोड़ना, मिथ्यात्व का जाना, सम्यक्त्व का होना। तो हमको एकदम क्षमा भाव अंदर में प्रकट होगा तो फिर उसका फल अगले दिन मिलेगा। कि जिस समय क्षमा भाव प्रकट हुआ उसी वक्त हमको अनंतानुबंधी कसाय गई, उसकी जो शांति होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ना उसे बंधना है, ना सत्ता में रहना है, ना आबाधा काल पूरा करना है, ना उदय का इंतजार करना है। धर्म किसे कहते हैं? जिसका फल तत्काल मिले। और कर्म किसे कहते हैं? कि जिसका फल नियम से तत्काल ना मिले। तो यदि तुम्हारी पूजन धर्म है तो तत्काल फल मिल जाना चाहिए। अब वो तो तुम्हें मिला नहीं है, कि तुम ही कह रहे हो। अब तुम्हें वो पुण्य बंध वाला फल जो भविष्य में मिलेगा, जिसकी कल्पना तुम कर रहे हो, क्या अब उसका इंतजार है? और उसमें बार बार शक भी होता है कि मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। हम कर कर के मर जाएं और बाद में कुछ नहीं मिले, कि तुम्हें शक क्यों हुआ? कि तुम जैसे पंडित आकर के बहुत हमें शक पैदा कर देते हैं। क्या कैसी मिल जी है? अरे भाई, यदि तुम्हें फल अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद नहीं आया है तुम्हें तो पुण्य भी नहीं बंधा होगा। उसमें आनंद आएगा, अतिंद्रिय आनंद होगा तो धर्म होगा, और नहीं तो शुभ भाव रूप होगा तो पुण्य बंधेगा। और दोनों ही होते हैं साथ में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भगवान की भक्ति करते हैं तो उन अंदर अतिंद्रिय आनंद एक कसाय के अभाव के रूप, मिथ्यात्व के अभाव रूप आता रहता है और पुण्य भी बनता है। तो अभी यदि आनंद आया है तो बाद में भी आएगा, गारंटी से फलेगा, आएगा। और अभी नहीं आया है मतलब धर्म तो हुआ ही नहीं है और संकलेश परिणाम हुए हैं। तुमने कहा ना, इतना पसीना आई, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, कांपते रहे, कांपते कांपते, और हमने, लेकिन हमने एक दिन बंद नहीं किया, छोड़ी नहीं। अब इसकी व्याख्या मैं करना नहीं चाहता हूँ। अभी 2-3 दिन हुए हैं ना, 20 दिन काटने हैं। ये तो संकलेश परिणाम है कि मैंने इतना तकलीफ भोगी लेकिन एक दिन नहीं छोड़ा। माने एक कौन से का कर्म का काम है? ये तीव्र कसाय का काम है। अब आपको कह, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ ना, इतनी प्रतिकूलता महसूस करके अरे कुमार जी, और फिर भी उस काम को करते रहना, ये बिना संकलेश परिणाम के नहीं हो सकता। तीव्र कसाय के बिना नहीं हो सकता। कसाय पाउड में लिखा है दादा, याद है वो रतन लाल जी ने बताया था। एक कोटा में एक बहुत अच्छे पुराने करुणानियों के अभ्यासी थे, रतन लाल जी अग्रवाल थे, अब तो शुरुआत हो गया ना उनका। तो हम जब छोटे छोटे थे, 20-22-25 वर्ष के, तब वे कसाय पहाड़ का स्वाध्याय करते थे, तो उनने हमें बताया था कि इसमें लिखा है एक समुपत्यक नाम की ऐसी कसाय होती है कि ये जो द्रिवलिंग है ना पहले गुणस्थान वाले का, ये उसके तीव्र उदय में पलता है।
क्या? क्योंकि इतना कठोर आचरण और अंदर में आत्मा का आश्रय नहीं, तो ऐसे आसानी से नहीं टलता है। मुझे इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कह दूं, अन्ना जी बोलो, बोलता दूं, छठवां गुणस्थान में मुनिराज होते हैं सच्चे भावलिंगी, कुंदकुंदाचार्य की बात कह रहा हूं, ये समय सार लिखते हुए कुंदकुंदाचार्य, तब उनके तीव्र कसाय थी कि मंद कसाय बताओ, होता भाव, बस मेरा व्याख्यान दो तीन लोगों ने ही सुना है, पहले मैं कई दफे कह चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ मैं। क्या? अरे भाई, संजुलन कसाय के तीव्र उदय में छठवां गुणस्थान होता है, ऐसा लगा संजुलन नो कसाया आता क्या नहीं, उदयो मंदो तदा जदा हो दी अपमत गुणस्थान हो, जब संजुलन कसाय का और नो कसाय का, नो कसाय समझते हास्य आदि, इनका मंद उदय होता है तब तो अप्रमत्त नाम का सातवां गुणस्थान होता है, और तीव्र कसाय होता है, उदय होता है तब छठवां गुणस्थान होता है। तो ये समय सार तीव्र कसाय के उदय में लिखा गया है, इसमें तीव्र उदय का नियम है, संजुलन कसाय का तीव्र उदय नहीं हो तो इसके लिखने का विकल्प नहीं आए। हाँ, तो तीव्र किसे कहते हैं, मंद किसे कहते हैं, इसकी खबर नहीं है। जो गुरुदेव श्री नहीं होते और इनका प्रताप नहीं होता तो इतने में तो हमारी मरम बाल बन जाते, बिना पैसे दिए। इतनी भरी सभा में और ये बात हम कह सकते थे क्यों, कि एक कौन सा तीव्र कसाय के उदय का कार्य है, और जबकि इसके पीछे हमारे साथ समय सार नहीं गोमठ सार खड़ा है, करुणा नहीं वो खड़ा है, फिर भी नहीं कह सकते है? हाथ पर रखे हुए आंवले जैसी बात है, तीव्र कसाय मंद, अरे मंद कसाय का उदय अनंतानुबंधी में भी होता है और तीव्र कसाय का उदय संतुलन कसाय में भी होता है, वो मंद हो गई तो वो हो गया, अरे कुछ नहीं है, हम तीव्र मंद का उदय का भी सही अर्थ नहीं समझते हैं, तीव्र किसे कहते हैं, मंद किसे कहते हैं, बहुत पुरानी बात है, 40 साल से भी ज्यादा पुरानी बात होगी, आपके कोलापुर में हमने एक शिविर किया था, आपको अन्ना जी याद होगा, धन्य कुमार जी ने कराया था, उनकी बहन उनने सब तैयारी करी थी, हम और बाबू भाई गए थे और कोलापुर में शिविर लगाया था, पहली दिन की पहली सभा में मैं वक्ता था और बाबू भाई श्रोता। क्या होगा कि चलो अपन तो शुरू करो प्रवचन, कि सुनेगा कौन, कि मैं सुनता हूँ आप करो। और व्यवस्थापक में थे कौन, धन कुमार जी उनकी बहन, तो ये लोग अपने बच्चे उसमें लग रहे थे आटे दाल की व्यवस्था में। जो अच्छे अच्छे मुमुक्षु थे वहाँ, जो अभी अभी थे, अभी बाद में हैं, जो कहते थे कि वो कहते थे हमसे पैसा ले जाओ लेकिन हम आएंगे नहीं, तो आपके गणपत मिर्जे ऐसे, ये बाद में नरमीनाथ घंटे, ये बाद में हमें सुनाते थे, मुमुक्षु हो गए बाद मेरे जी लोग, कि पैसा ले जाओ हम आएंगे नहीं, किया हमने शुरू वहाँ को शिविर, और धीरे धीरे 7 दिन का था, अंत में इतनी भीड़ हुई कि खड़े होने को जगह नहीं थी हैं, और वहाँ के जो भट्टारक सबसे बड़े थे जिनसेन, उनकी उसमें हमारा बहुत जोरदार साहू जी के मंदिर में, साहूपुरी के मंदिर में सम्मान हुआ, वहाँ साहूपुरी का मंदिर मन सबसे बड़ा मंदिर, पंचायत का मंदिर जिस पर सारी पंचायत का कब्जा है, ख्याल में है ना, क्या हुआ कैसे हुआ, कैसी कैसी परिस्थितियाँ बनती, तो वहाँ एक पंडित आए हुए थे, वो भी बहुत बुजुर्ग थे,
समय सार के टीकाकार, संस्कृत के टीकाकार, समय सार की संस्कृत टीका, और इससे डबल मोटी किताब है उनकी। एक किताब और ऐसी बताओ, इतनी मोटी समय सार की किताब है। नाम भी बता दो ना, नाम था मोती टंगी। मेरे पास किताब है, जिसे देखना हो, दर्शन करना हो, तो मैं अभी जयपुर में करा सकता हूँ। मैं अपने सामने ही रखता हूँ राजन अपने उस किताब को। बहुत परेशान करते थे, बहुत आना शुरू हुए ना तो बीच बीच में टोकते थे। मैंने बाबू भाई से कहा कि बाबू भाई, मैं थोड़ा इनको बता दूँ, आप कहो तो, आपकी आज्ञा हो तो यहाँ बता दो। मैंने कहा कोई झगड़ा हो जाए तो आपकी जिम्मेवारी, मेरी नहीं। झगड़ा हो सकता है ना। बोले भी एक दफे तो होने दो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब ओखली में सिर दिया तो मूछलों का क्या डर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पंडित जी पधारो पधारो, बहुत विद्वान हो, ऐसा ऐसा सम्मान से बैठा ना। मैंने कहा मंद कसाय किसे कहते हैं और तीव्र कसाय किसे कहते हैं, उनसे नहीं पूछा। फिर मैंने जवाब दिया और फिर मैंने कहा कि ये सही है ना। हाँ हाँ साहब सही है, सबसे सही है। हाँ सही है। मैंने कहा गलत है, और सिद्ध किया फिर मैंने तर्को युक्ति से कि ये गलत क्यों है। जैसे मानो शुभ भाव सो मंद कसाय और अशुभ भाव सो तीव्र कसाय, सब हाँ करोगे कि नहीं? तुम भी हैं क्यों? शुभ भाव सो मंद कसाय और अशुभ भाव सो तीव्र कसाय, ऐसा नहीं है। वो शेर और सुअर लड़े थे, मुनिराज की रक्षा करने वो खाना चाहता था शेर सुअर, तो सुअर को तीव्र गुस्सा आ रहा था कि नहीं? नहीं तो वो शेर के सामने भिड़ सकता था, लेकिन वो मंद कसाय थी कि तीव्र कसाय? मुनिराज की रक्षा का भाव क्या था बताओ? मैं अशुभ भाव था क्या? अशुभ भाव कसाय तो तीव्र थी, वो भाव शुभ था। क्यों? कसाय मंद हो वो भाव अशुभ हो। हमको ठीक है, जो मिल जाएगा जब मिल जाएगा हम तो खा लेंगे, कि रात हो जाएगी, अब हो जाएगी। दिनों रात में हम ज़्यादा राग द्वेष में नहीं पड़ते। बन जाए दिन में तो दिन में ही खा लेंगे, नहीं तो एक आध दिन चलेगा। मंद कसाय वो, ये तो गुस्सा करते हैं पंडित जी, इतने गुस्सा करते हैं, जल्दी लाओ ना, फिर मैं खाऊंगा नहीं। देखो कितने लाल पीले हो रहे। अबे लाल पीले कह रहे वे स्वभाव वाले हैं, क्यों कि बेस्वभाव वाले हैं। ऐसे मैंने 5 दफे शुभ और अशुभ भाव की परिभाषा बनाई और 5ों ही दफे गलत सिद्ध की। उसमें एक पॉइंट ये भी है जो मैंने बोला ना, संतुलन कसाय और नौकसाय का तीव्र उदय होता है, हैं? और भाव शुभ होता है, अशुभ भाव का सत्ता ही नहीं रही है। हम गंभीरता से गहराई से जाकर विचार करेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है। अभी तो मैंने देखो, मैंने आपको ज्ञान शक्ति का भी परिभाषा नहीं बताई है। साकारो उपयोग मई ज्ञान शक्ति, इसका अर्थ कहाँ किया? अनाकार उपयोग मई दृष्टि शक्ति, इसका अर्थ कहाँ किया? अभी तो मैं ज्ञान स्वभाव पर चर्चा कर रहा हूँ कि जानने का जो भगवान आत्मा का स्वभाव है वो अनेक शक्तियों से संबंधित है, अकेली ज्ञान शक्ति से नहीं। सर्वज्ञत्व शक्ति भी उसमें शामिल है और स्वच्छत्व शक्ति भी उसमें। क्यों? सर्वज्ञत्व शक्ति ये बताती है कि सबको जानता है, ज्ञान शक्ति ये बताती है कि जानता है, स्वच्छत्व शक्ति ये बताती है कि वो जानने का उसके माथे पर रंच मात्र बोझा नहीं है, वो किसी को जानने जाता नहीं है, वो अपने में रहता है, बस खत्म। सारा लोकालोक उसमें आकर झलकता है। उसको उसमें से भी निकाला लोगों ने यार, वो तो झलकता है, वो जानते थोड़ी हैं, पर पदार्थ तो झलकते हैं। अरे भैया अपना आत्मा भी झलकता ही है,
वहाँ झलकने और जानने का एक ही अर्थ है, अकेला सिर्फ इतना बताना उद्देश्य है कि उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, उसमें कोई वो नहीं है कि जिसमें श्रम पड़े उसे, सहज भाव से होता है, इसलिए उसे झलकना बोल दिया। तो दर्पण जैसा स्वभाव है कि एक देश कि दर्पण में तो उसके सामने जो चीज होती है वो ही झलकती है, तो यहाँ बगल में हो तो नहीं झलकेगी, पीछे हो तो नहीं झलकेगी, है ना। लेकिन इस ज्ञान दर्पण में सामने हो तो झलकेगी, उस सुमेरु पर्वत के अंदर सैकड़ों मन शुद्ध सोना है और ऊपर से सुमेरु पर्वत, कितना बड़ा पर्दा है, समझ में आया कुछ, अंदर है सोना और वो उनके ज्ञान में झलक जाता है। सोचो, माने वो सुमेरु पर्वत बाधा नहीं है, वो उनके ज्ञान का गेय बन जाता है। इसमें तो सामने का पदार्थ होना चाहिए, सामने तो है ही नहीं। एक ये है, ये दर्पण में एक और कमजोरी है, मैंने अभी चेहरा ऐसा बनाया तो ऐसा दिखेगा उसमें, और फिर ऐसा बनाया तो ऐसा नहीं दिखेगा, वर्तमान का ही दिखता है, समझ में आया कि नहीं आया, वर्तमान का ही झलकता है। लेकिन वो केवल ज्ञान में आज तक मेरे चेहरे जैसे जैसे बने वो सब एक साथ झलकते, क्या होता होगा, तुम ज्ञान के स्वरूप पर विचार तो करो एक दफे। तो मैंने सोचा होता कि ज्ञान क्या चीज है तो तुम्हें अंदाजा लगता, सारे अनंत अनंत पदार्थ एक साथ हमारे ज्ञान दर्पण में झलकें और वो बिल्कुल हमें जुदे जुदे दिखाई दें, और जुदे जुदे हैं तो जुदे जुदे दिखें, जुदे जुदे नहीं हैं तो जुदे जुदे नहीं दें, जिस अपेक्षा जुदे जुदे हैं उस अपेक्षा जुदे जुदे दिखें, जिस अपेक्षा जुदे जुदे नहीं है वो नहीं दें। दो गुण ज्ञान और दर्शन है ना, एक ही द्रव्य में अखंड रूप से है ना, उनके एक ही प्रदेश है ना, एक का रूप दूसरे में है ना, समझना, वो भी दिखे और वे जुदे हैं ये भी दिखे, दोनों एक साथ दिखे, जुदे जुदे भी एक साथ दिखे और इकट्ठे भी उसी वक्त दिखे। अनादिकाल से अनंत काल तक की सारी पर्यायें कैसा दिखता होगा वो, ये तीन लोग और तीन काल के पदार्थों का एक साथ जानना केवल ज्ञान, एक दफे केवल ज्ञान का स्वरूप आप विचार करो और गंभीरता से उसकी गंभीरता आपको ख्याल में आए तो आपको जैन दर्शन की गजब की महिमा आए बिना रहेगी नहीं। टोडरमल जी ने लिखा है आपको केवल ज्ञान का स्वरूप ये भी ख्याल में नहीं है, केवल ज्ञान तो ज्ञान का अनंतमा भाग है, एक समय की पर्याय का नाम है, लेकिन उसका क्या स्वरूप है वो हमारे ख्याल में नहीं है, तो पूरे ज्ञान गुण का और फिर वो पूरे आत्मा का स्वरूप हमें क्या ख्याल में होगा है? कितनी गहरी, कितनी गंभीरता, कितनी गहराई है ना। ये तो आपने सब पढ़ा है ना शास्त्र में कि सब चीजें सारे पदार्थ बिल्कुल पृथक पृथक अलग एकदम प्रति समय दिखाई देते हैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, और हमने ऐसे प्रश्न भी खड़े किए हैं कि साहब एक दफे में सब समय में सब जान लिया तो दूसरे समय को जानने को बचा ही क्या, पूरी किताब हमने पढ़ ली अब कल पढ़ेंगे क्या।